हेलो गैस, तो गैस कैसे हैं आप सब भाई। आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं सस्ती वाली GTFS, मतलब के डू थेफ्ट वॉर्स। और भाई ये जो वीडियो है, इसमें सबसे पहली ये मल्टीप्लेयर की वीडियो आपका भाई बना रहा है। मुझे पता है अभी बहुत दिनों पहले, मतलब महीना हो गया होगा, 1-2 महीने हो गए होंगे, तो मल्टीप्लेयर मोड आया था। तो मल्टीप्लेयर जो था वो मतलब कुछ लोगों ने खेल लिया था, लेकिन वो वापस से बंद हो गया था क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस लानी थी पॉक्सल स्टूडियो वालों को। तो अब जो है कोई किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई। आज मुझे पॉक्सल स्टूडियो की ईमेल आई, उन्होंने मेरा चैनल देखा था, तो उन्होंने मुझे एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोली कि आप हमारे गेम पे वीडियोस बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया है कि आप अपने गेम को अपडेट करें। और मल्टीप्लेयर मोड हमने मतलब कर दिया है, मल्टीप्लेयर मोड हमने लॉन्च कर दिया, तो आप जल्दी से खेलें और इस पर वीडियो बना दें। और भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मल्टीप्लेयर मोड आ गया है। तो आप लोगों को कैसे मल्टीप्लेयर मोड डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा। तो भाई अगर आप लोगों को भी मल्टीप्लेयर मोड चाहिए तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूँ कि कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है मल्टीप्लेयर मोड। एंड अब जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को लाइक कर देगा। और अब जो आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड पे मेरे पास मल्टीप्लेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो भाई सबसे पहले सिंगल प्लेयर में जाएंगे तो आपके पास वही नॉर्मल गेम आएगा, लेकिन मैं जाता हूँ मल्टीप्लेयर पे, क्लिक कर रहा हूँ और कनेक्टिंग टू सर्वर हो रहा है। और इसकी सबसे ख़ास बात पता है क्या है कि मतलब जैसे कनेक्टिंग टू सर्वर, जैसे आपने क्विक प्ले किया तो आप लोग है ना मतलब मेरे साथ भी खेल सकते हैं। जैसे किसी के सर्वर के साथ आपका रैंडम सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग खेल रहे हैं तो क्या पता रैंडम सर्वर मेरा हो और आप लोग मेरे साथ खेलें, तो भाई ये भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है नीचे अपना नाम लिखना होता है, तो आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपना लिख दिया है। तो इसमें लिमिट इतनी होती है, इसलिए मैंने कॉनी गेमिंग जेड लिखा है, वरना जोन लिखना था मुझे। और यहाँ पर ओके करके हमें वेपन्स देख लेते हैं भाई। हमारे पास AK-47 है और मुझे AK-47 ही बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर कस्टमाइजेशन में अगर हम लोग स्किन टोन करें तो हम लोग अपनी स्किन का कलर भाई ये वाला रख लेते हैं, यस। एंड टॉप्स में मैं ये रेड्स अच्छा लग रहा है यार। और ग्लासेस में अगर मैं देखूँ तो ग्लासेस भाई ये नहीं यार, ग्लासेस नहीं पहनाने मुझे। अच्छा अब अगर हम देखें हेड, तो हेड में भी मतलब अभी कुछ है नहीं हमारे पास अनलॉक। और यहाँ पे अगर बॉटम्स में देखें तो ब्लैक नहीं, ब्लू भाई ये वाला ग्रे, और भी कलर्स है भाई। तो यहाँ पे जो है मैं पहना देता हूँ उसको ये वाली, यस। एंड यहाँ पे फेस इसका रख लेता हूँ भाई, यार ये तो फुल मतलब अभी अनलॉक नहीं। और शूज़ अगर देखें तो यहाँ पे शूज़ मैं इसको पहना देता हूँ ग्रे, कैसे लगेंगे, नहीं भाई बेकार लग रहा। और वाइट, चलो वाइट सही है भाई, यस। और भाई यहाँ पे मैंने अपना बंदा कस्टमाइज़ कर लिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना गेम, और क्विक प्ले का आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोगों को अपना प्राइवेट मैच करना है मतलब, तो आप लोग प्राइवेट मैच कर सकते हैं, उसमें कोई आपके साथ खेलेगा नहीं। वैसे मुझे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइवेट मैच में कोई आपके साथ मतलब खेलेगा नहीं। और अगर आप लोग क्विक प्ले करेंगे तो आप लोग किसी भी सर्वर में कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग मतलब, और पहले वाले जो मल्टीप्लेयर आया था उसमें आप लोगों को ये भी नहीं दिखाया था कि कौन कौन सी लोकेशन लेनी है। आप लोगों को सिर्फ एक ही लोकेशन मिलती थी, जो कि मतलब वो काउंटर स्ट्राइक की तरह था। तो जैक स्ट्रीट, नूप टाउन और पार्कर बैकग्राउंड। तो भाई आप लोगों को कौन सा लेना है, मैं तो भाई ले रहा हूँ भाई देखे, नूप टाउन में होंगे 8 बंदे और पार्कर प्लेग्राउंड में 8 बंदे, लेकिन जैक स्ट्रीट में होंगे 16 बंदे। तो भाई जैक स्ट्रीट में 16 करेक्टर्स होंगे, तो मैं ये वाला लेता हूँ, और ये वाला में ज़्यादा बंदे हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई मैच मिल गया है और आप लोग देख सकते हैं भाई, ये थोड़ा पबजी टाइप का मैच है और यहाँ पर मैं छुप जाता हूँ। तो भाई यस यस यस, ओ भाई ये मार क्यों रहा है, ओ भाई ओ यार ये मार दिया यार, तो यार मुझे मारा है। और अभी जो है मैं किसी भी बंदे के साथ तो भाई यहाँ पे जो है उधर है भाई बंदा,
तो भाई 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 मार दिया मार दिया मार दिया। ओ मर गया, नहीं मरा। तो भाई यार इसको तो मारना ही पड़ेगा। ओ मार दिया। तो भाई ऐसे आप लोग इसमें मैच खेल सकते हो। और भाई यहाँ पे जो है ये तो बड़ा ज़बरदस्त ग्राफिक्स आ रही है। और भाई यार ये तो ज़बरदस्त मज़े आ रहे हैं यार, मैंने सोचा नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हो जाएगा यार डूड थ्री फोर्स और भाई पॉक्सी स्टूडियोज वालों को। और भाई आप बोल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। यस, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं लोगों से बात करता। और यहाँ पे एमओ जो है हम लोग लोड भी कर सकते हैं, एक और बार लोड भी कर सकते, मतलब बार बार नहीं कर सकते आप लोग। और यहाँ पे जो है हमें बंदे ढूंढने पड़ेंगे। जंप भी है, बैठने का ऑप्शन भी है, लेटने का ऑप्शन भी है। एंड यहाँ पे आगे जाके देखते हैं भाई क्या है। और भाई आप लोग देख सकते हो पूरा वही शहर है जो हमारा होता था। और यहाँ पे हमारे पास पिस्टल भी है, लेकिन मैं लेऊंगा AK-47। और भाई ये तो बड़े ही ज़बरदस्त इन लोगों ने अपडेट दे दिए, और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यार। यहाँ पे पूरा पबजी टाइप का गेम है ये। आप बंदों से बात भी कर सकते हैं रैंडम सर्वर में आप लोग जब आ गए हैं। और इसने हमें मार दिया है, तो हम लोग वापस से स्पॉन हो सकते हैं। और भाई वापस से हम लोग स्पॉन हो गए। और ये जो है ये बंदा, ये बंदा सबको मार रहा है, तो भाई इसको मारना पड़ेगा। यस, तो भाई इसको जो है हम लोग ने मार दिया है। तो भाई फाइनली हमने इसको मार दिया। और ये जो है बड़ा, इसमें आप लोगों को 3 मैप्स मिलते हैं, लेकिन ये जो जैक वाले घर के पास जो एक मैप है, इस मैप में आप लोगों को 16 बंदे मिलते हैं, मतलब 16 करेक्टर्स मिलते हैं। तो 16 करेक्टर्स की फाइट हो सकती है। एंड यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, ओ हो, वो मार रहा है भाई ये तो। यार मेरा एम नहीं हुआ। अच्छा मुझे ना सबसे ज़्यादा जो गेम नहीं खेलना आता, जिसमें मैं नूब हूँ, वो यही वाले गेम्स होते हैं जिसमें मतलब फाइट करनी होती है। और ये वाले जीत गए हैं। और जब भी देखे कि ये सब मैच के आ गया है, और ये आप लोगों के पास आई है लिस्ट। और इसमें हमारा जो नंबर आया वो है 4th नंबर। तो टोटल 6 नंबर्स थे, हमारा 4th आया है। हमने किल्स किए हैं, 3 किल्स किए हैं। एंड हम लोगों ने 3 बंदों को जान से मार दिया है। एंड ये लास्ट वाला मुझे पता नहीं क्या है, पता है। अच्छा अब जो मेन्यू में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे एक जो है एक ऐड चल गया है। और मतलब बड़े मज़ा आ रहा है यार इस मल्टीप्लेयर को खेलने में। अगर आप लोग को भी डाउनलोड करना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि मैं आप लोग को जब बताऊँगा जब आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है इसको ऑप्शन नहीं आ रहा यार, जल्दी से ऐड हटे। और भाई मतलब ये तो ज़बरदस्त अपडेट आया है मल्टीप्लेयर का। और यहाँ पे यार हटाने ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे है? ऐसा आ गया आ गया आ गया आ गया। तो भाई अब जो है मैं मल्टीप्लेयर वापस एक बार खेल लेता हूँ, और आप लोगों को उस मल्टीप्लेयर में ही बताऊँगा। और मैं अपने बंदे को कस्टमाइज़ भी कर लिया था। तो अब हम लोग खेलते हैं इसमें, इसमें। यस, सो भाई अब जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो है भाई ये डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में अगर आप जाके अपडेट करते हैं अपने गेम को, तो आप लोगों को खुद ही मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग अपडेट करेंगे अपने गेम को तो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड तो आप लोगों को भी अगर चाहिए तो जल्दी से जाए प्ले स्टोर में, लिखे डूड थ्री फोर्स, एंड वहाँ पे जो भी अपडेट होने का ऑप्शन आएगा उसको अपडेट कर लिएगा। एंड भाई यहाँ पे जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यार वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मल्टीप्लेयर पर सबसे पहली वीडियो मैंने ही बनाई है। एंड यस, तो भाई इनको तो मार देते हैं, और इनको भी मार देते हैं। ओ हो, फर्स्ट ब्लड हमने लिया भाई, पहला अटैक हमने किया बंदों पर। तो भाई यहाँ से हम लोग अपनी पिस्टल भी चेंज कर सकते हैं, एंड वहाँ से हम लोग ग्रेनेड भी ले सकते हैं। ये देखिए भाई ग्रेनेड। तो भाई अब जो है हम लोग मर गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और भाई ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिनको मल्टीप्लेयर खेलना है उनके साथ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड बाय।